बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि ललन सिंह 9 अगस्त के पहले तक IRCTC घोटाले में लालू परिवार की संलिप्तता के सबूत दे रहे थे और जांच में तेजी लाने के लिए CBI के संपर्क में थे। अब NDA के तोड़ने में CBI की भूमिका का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि IRCTC घोटाले में 28 सितंबर को आरोप तय होने वाले हैं और तेजस्वी यादव की जमानत भी उनकी धमकियों के कारण रद्द हो सकती है। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर IRCTC घोटाले का मुकदमा दर्ज करा दिया। ललन जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लालू परिवार के खिलाफ जितने सबूत, जितने दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे आपने CBI को उपलब्ध कराए। क्या लालू यादव ये इस बात को नहीं जानते? पटना हाईकोर्ट में कौन गया था और CBI के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर पल पल के मॉनिटरिंग आप कर रहे थे। आप बदल सकते हैं लेकिन CBI नहीं बदल सकती है। और आप भूल गए कि राबड़ी देवी ने आपके और नीतीश जी के संबंधों को लेकर क्या टिप्पणी की थी कि अपने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। सुशील मोदी ने कहा कि JDU अध्यक्ष ललन सिंह केंद्रीय मंत्री न बन पाने की हताशा में ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में 5 बार के विधायक, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा का अपना पहला चुनाव 5.5 लाख वोटों से जीतने वाले गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक कद के आगे ललन सिंह अपना बौनापन पचा नहीं पा रहे। ये भूल जाते हैं कि आप तो एक बार भी MLA का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं दिखा पाए और अमित शाह 5 बार के MLA हैं और एक बार तो चुनाव में 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वो 5.5 लाख वोटों से जीते हैं और आप तो 3 बार MP बने तो BJP की कृपा से बने। अगर BJP नहीं होती तो आप MP नहीं बन पाते। और 2014 में जब आप अकेले चुनाव लड़े तब 1 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसके मात्र 43 विधायक हैं और अमित शाह उस पार्टी के अध्यक्ष रहे जिसके पास 1300 से ज़्यादा विधायक हैं। तो आप किससे तुलना कर रहे हैं, किससे अपनी तुलना कर रहे हैं? आप तो आंदोलन में कहीं दूर दूर तक कभी आप दिखाई नहीं पड़ते थे। कौन ललन सिंह है? मैंने तो आपका पहली बार 95 में नाम सुना। तो छोटी मुँह बड़ी बात मत कीजिए। और अमित शाह देश के कम उम्र के गृह मंत्री हैं और उन पर जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। बता दें कि 2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में IRCTC के 2 होटलों के ठेके एक निजी फर्म को आवंटित किए गए थे। बदले में रिश्वत के रूप में बिहार की राजधानी पटना के एक प्रमुख स्थान पर 3 एकड़ का वाणिज्यिक भूखंड लिया गया था।